दुर्ग के ग्राम खुरसुल थाना पुलगांव अंतर्गत एक सुनसान घर के सेप्टिक टैंक में अज्ञात युवक का शव मिला है, जिसकी जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस ने शव को मर्चुरी भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग के ग्राम खुरसुल थाना पुलगांव चौकी के अंतर्गत बांध के पास एक सुनसान घर के सेप्टिक टैंक में एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर मर्चुरी भिजवाकर जांच शुरू कर दी। मृतक कौन है और कहां का है, इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि शनिवार को ग्राम फुरसुल के बांध के पास बिराई निवासी केदार कुमार पात्रो, जिनका 2.5 एकड़ का खेत है, जिस पर स्टोर रूम के उपयोग के लिए बनाए गए 2 मंजिला घर के सेप्टिक टैंक पर युवतियों को एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना नागपुरा पुलिस चौकी को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच की और बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। इस संबंध में घर मालिक और थाना प्रभारी ने प्रतिक्रिया दी। पूरी जानकारी दीजिएगा। ये केदार कुमार पात्रों के द्वारा जो है थाना चौकी जो है हाजिर आकर 12 बजे लगभग जो है बताया गया कि उनके खेत में जो है अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग थी, जिसमें एक सेप्टिक टैंक बना हुआ है, उसमें किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। अगर इस सूचना पर जो है पुलिस पार्टी जो है आई और साथ में FSL टीम को भी बुलाया गया है। आसपास का घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। शव की शिनाख्त की अभी तक नहीं हो पाई है। PM के लिए शव को रवाना किया गया है। आगे जानकारी जो है जांच के बाद ही इसमें क्लियर कर पाएंगे। किसी तरह का कोई हथियार पाया गया हो, धारदार या किसी तरह की? नहीं, यहाँ घटनास्थल आसपास के एरिया को पूरा निरीक्षण किया गया है। इस टाइप का कोई भी संदिग्ध चीजें फिलहाल अभी नहीं पाई गई है। जमीन सर किसका है, पता चल पाया? ये केदार पात्रों का है। भिलाई निवासी है, दुर्ग निवासी? भिलाई के निवासी है। कृषि यादव नाम का व्यक्ति जो धान के लिए लिया हुआ था, तो सफाई में लेबर लगाया था, तो ऋषि यादव द्वारा में जानकारी दी गई। मेरे हमारे कोई ऐसे जान पहचान का शव नहीं लगता। हाँ, जमीन के मालिक मैं। कभी महीने भर में, कभी 1.5 महीने में, कभी 15 दिन में, निश्चित समय नहीं रहता है। तो अभी गर्मी का समय है, तो धूप में जल्दी आना नहीं होता है। बहरहाल पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।